है वो मेरे नबी के अखलाक। आप सबसे एक बात करता हूं, बर्दाश्त करना सीख लें, जिंदगी खूबसूरत हो जाए। सिर्फ सारे अखलाक को मैं जमा करूं एक लफ्ज में, बर्दाश्त, और उसको शरीयत में सब्र। सब्र करना सीख लें, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बच्चियां सास की शिकायत कर रही होती हैं, कभी खामिंद की शिकायत कर रही होती हैं, कभी औलाद माँ बाप की शिकायत कर रही होती है, कभी औलाद माँ बाप की शिकायत कर रहे होते हैं। शिकायतों से जहान भरा पड़ा है। आप शिकायतों को दफन करके होंठ सी लें, सब आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत। उल्टा के रख देती है चीजों को। चुप रहना सीख, खामोश रहना सीख, दरगुजर करना सीख, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कितना हुस्न आता है, कितनी जिंदगी में मिठास पैदा होती है। गुस्सा निकाल देना वक्ती एक राहत होती है, और फिर शर्मिंदगी और नदामत के सिवा कुछ नहीं होता। और पी जाना, सह जाना, ये आपको एक अजीम शान हस्ती बना देगा। आपकी दुआएं अर्श से जा टकराएंगी। चुप रहना इन बच्चों को सिखाएं, खास तौर पर अपनी बेटियों को चुप रहना सिखाएं। कि मैं दुख से कहता हूं, मेरे देश का ससुराली मुआशरा जालिम है, जालिम है, जालिम है। उसमें ना कोई नमाजी की कैद है ना बेनमाजी की, ना दीनदार की ना बेदीन की, ना किसी पर्दे वाले घर की ना बेपर्द घर की। ससुराली मुआशरा बहुत जालिम है, बहुत जालिम।